स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग पर। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। कल मैं पूरा ठंडा का वजह से जो है नहा नहीं पाई थी। कल रात को जो है थोड़ा थोड़ा बुखार फील हुआ। लम्बू का भी ऐसा हालत है, ऐसे मौसम को जो ना अंधेरा अंधेरा करने से तबीयत ठीक नहीं लगता है। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी चलेगा, क्योंकि कल मैं खाना भी खा नहीं पाई थी। कल मंजिता और मैंने जो है 5 बजे को हमने थोड़ा थोड़ा खाना खा के जो है सो गए थे, इसलिए रात भर भूख लग रहा था। तो रात को कौन उठ के खाना खाएगा, इसलिए आलसी के कारण जो है कुछ भी नहीं खाया। तो अभी सुबह सुबह दूध को भी गर्म कर दिया है समीर भैया से, जो हम लोग गाय का प्योर दूध ऑर्डर करते हैं ना, डेली लम्बू लेने के लिए जाता है। तो वही दूध को जो है गर्म करके अभी पियेंगे। दीदी तो यहाँ पे पी रही है एंड बिस्किट मंजिता से खा रहे हैं। हम लोग का खजाना खत्म हो गया, अभी मंजिता से यहाँ से खाएंगे। ये देखो कल सब्सक्राइबर ने जो लिखे आया था ना, मंजिता का क्या बोलता है, पॉप बोलेगा क्या, पॉप भी नहीं है ना ये, पता नहीं, मुरमुरा बहुत टेस्टी है। हाँ चलो अभी खाते हैं। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग तो पॉप की तरह लग रहा है, हम लोग पॉप ही बोलेंगे। तो इसको डुबोती हूँ एंड जाओ अंदर। आ जाओ, इसका भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है इसका भी। अभी इसे थोड़ा थोड़ा पी के ना फिर हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। 2 ब्रेकफास्ट होगा आज। शैतान आजादी मिल गया उसको, पूरा कितना दिन हो गया खुला खुला रख रहे है। बहुत टेस्टी है ना ये। दूध वगैरह पीने के बाद जो है अभी हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मैंने जंगली बेट काट के भी रख दिया है, इसे भिगो के रखनी पड़ती है, नहीं तो इसमें से कलर निकल आती है ना। तो भिगो के रखने से इसका पानी जो है वो कलर को बदल देता है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी भिगो के रख दिया, पानी कुमरा उसमें पकाएंगे। और कोई कहता है हर सब्जी में क्यों ड्राई फ्रूट देते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है हम लोग का मसाला जैसा है, हर सब्जी में बनता है। तो अब इसको यहाँ रख देती हूँ और बेट का साथ जो है यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भी रख दिया। बेट को तो ऑलरेडी मैंने वॉश कर दिया था, तो अभी इसमें देने की बारी। ये देखो पानी पूरा रेड रेड हो गया, इसमें से कलर निकल आता है, क्योंकि ये सब्जी जो है कड़वा टाइप का है ना, इसलिए। इसमें अभी पानी देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको ठीक से तेल के साथ जो है मिक्स करके पकाओ, थोड़ा सा ढक के रखना है। फिर उसके बाद जो है जब नरम हो जाएगा उसमें पानी देने से हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। और मैं थोड़ा सा चावल की ग्रेवी दे दूँगी यहाँ से, राइस फ्लोर एंड धनिया पत्ता थोड़ा सा दे दूँगी खुशबू आने के लिए। पुराना हो गया ये चूल्हा, उतना टिकता ही नहीं, ये वाला तो कितना महीना हो गया पूरा ख़राब, बस ये 2 चूल्हा ठीक है। तो मैंने जो है तेल के साथ ठीक से मिक्स कर दिया है और थोड़ा नरम भी हो चुका है। अब इसमें मैं पानी दे देती हूँ, पानी तो इसमें पानी दे दिया है बेद में, अभी ठीक से इसे पकाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है पानी कुमरा पकाने के लिए पानी भी उबल चुकी है और दीदी ने यहाँ पे पानी कुमरा को भी वॉश करके रख दिया है। ये देखो इतने बड़े बड़े फिश है, दमा दमा करके खाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े साइज का। इसे जो है चटनी नहीं बनाएंगे। तो घर का ऊपर में तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, और दीदी जो है वो चावल को पकाने के लिए सबसे पहले वहां पर चावल सफा कर रही है। आलसी लोगों की तरह जो है एक खुलो सफा कर करके खा रहे हैं हम लोग।
वो दुकान वाला के साथ सफा नहीं कर सकते मेरी जान, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये जंगली सीप का वो है, क्या तकलीफ है, होती है, तकलीफ होता है, कमर दर्द देता है, बुरी हो गया हम लोग और दान भी बहुत है, देखो। तो एक साथ जमा करके वो कर नहीं पाएंगे, बस एक किलो करके खाएंगे। और हाँ दोस्तों, आज जो है होली है, तो आप सभी को जो है हमारे परिवार का तरफ से हैप्पी होली सभी को। पर आज हम लोग होली मना नहीं पाएंगे, बाहर पे जा नहीं सकेंगे। वैसे दीदी जा सकेगी, लम्बू भी जा सकेगा, पर मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी। और लम्बू भी रात भर पूरा उसका भी बुखार था, तो रहेंगे, देखते हैं ना। हाँ, फिर भी हम लोग का व्यूवर्स लोग को खेलना चाहिए ना, वैसे सभी लोग खेलेगा होगा, तो हम लोग इस बार खेल नहीं पाएंगे, कलर होने से थोड़ा थोड़ा लगाना था। वैसे भी नेक्स्ट ईयर में तो हम बच्चों के साथ खेलेंगे। वैसे एलर्जी है कलर से, इसका एलर्जी होता है। पहले भी हमने बताया था आप लोगों को, जो मेरा जो फेसबुक फेक अकाउंट है वो सब पता नहीं वो बंदा ना, इतना बार बार हमने बोला है प्लीज आप मैसेज करके बोला था लेमो ने नाम चेंज करो, उसका भी फेक अकाउंट था, मेरा भी फेक अकाउंट था। अभी फेसबुक पेज पर जो है हर वीडियो में जब भी यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ना, वो वीडियो जो है पूरा एक घंटा के बाद वो भी फेसबुक पेज पर जो है अपलोड कर देता है। काल भी देखा है वो, उसे देख के इतना गुस्सा आता है ना। एक्चुअली जो फेसबुक पे जेरी का ब्लॉग्स बोल के जो है, उसको मैंने कई बार मैसेज भी किया, वो ये वीडियो अभी देख रहा है, मुझे मालूम है, आई थिंक वो बांग्लादेश से है। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश से है तो आप बच जाओगे ना, तो कॉपीराइट स्ट्राइक का सिस्टम जो आपको मालूम है, तो अभी ये लास्ट वार्निंग है, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक अगर दूंगा पूरा आप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपका जो फेसबुक पेज है। तो इससे अच्छा आप फेसबुक पेज का नाम चेंज कर दो। देखो हमें वीडियो अपलोड करो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ऐसा करते हैं कि आप खुद जेरी है बोल के प्रिटेंड करता है और लोग भी विश्वास करते हैं, और आप अगर उल्टा पुल्टा कमेंट किसी को अगर आप गाली दोगे, कुछ छपरी चीजें आप अपलोड करोगे, तो जेरी का नाम बदनाम होगा ना, मेरा ही नाम बदनाम। इसलिए जो है जो आपका जेरी का ब्लॉग जो आपका नाम है, या तो आप जेरी फैंस क्लब ऐसा कुछ रखो और अबाउट में ये लिखो कि मैं जेरी नहीं हूँ, मैं जेरी का सब्सक्राइबर हूँ बोल के, ठीक है। वरना आप आज के अंदर में अगर नहीं किया तो आपका जो आपका फेसबुक पेज है वो डिलीट हो जाएगा, हम कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। और आपको मालूम है पूरा जो आपका वीडियोस वगैरह है जितना भी है सब जेरी का ही वीडियोस है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से आपका हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से लास्ट वार्निंग है, और कोई भी अगर देख रहा है तो आप लोग उसको असली बिल्कुल भी मत समझना, जेरी का ब्लॉग्स, जेरी के नहीं, जेरी का ब्लॉग्स लिखा हुआ है उसने। और हम दोनों जो है फेसबुक पर कभी वीडियोस जो है अपलोड नहीं करते, हम लोग रियल वो पेज भी नहीं है ना, मेरा बस है, रियल पेज है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। ये यूज नहीं करता, कभी-कभार एक दो वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे बहुत छपरी लोग आते हैं जो पसंद नहीं, बहुत फालतू कमेंट करता है ना, क्या क्या अपने बैकग्राउंड के बारे में, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे जो है वो बंदे का ऊपर में बहुत गुस्सा आया, मुझे लगता है अभी डाउट हो गया वो लड़का है, इसलिए जो है वो बात को भी अच्छे से नहीं सुनता है। अगर लड़की यूज करती तो शायद समझ सकती, वो चकमा है। हाँ चकमा है, फिर हमें भी डाउट हो गया, इतना वीडियोस डालता है। अभी मंजिता का मेरा ये जो अभी डाला है ना, जो कल का ब्लॉग, जो एक गंदा भी नहीं, वो बाप रे पूरा डाउनलोड करके फिर से फेसबुक पेज पर जो है अपलोड कर दिया, री अपलोड करता है मेरा हर यूट्यूब का वीडियोस जो है, इतना गुस्सा आता है ना उसको, अभी भी मेरा वीडियोस देख रहा है वो बंदा। आप जो है अगर मेरा वीडियोस डालते रहोगे तो प्लीज नाम को चेंज करो, ऐसे मेरा फैंस क्लब बोल के जो है लिख सकते हो, बहुत खराब लगता है ना, ऐसे जेरी का ब्लॉग उसमें लिखा हुआ है और लोगों को लगता है कि मैं ही रिप्लाई दे देती हूँ सभी को, अगर कुछ गलत सलत हो गया तो मेरा ही बदनाम होगा ना। प्लीज आप फिर से, मैं बोल रही हूँ नाम चेंज करो, वरना आपका बहुत ही मुश्किल होगा। और इधर पर जो है मेरा बेड का सब्जी लगभग हो चुकी है दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा राइस फ्लोर दे देती हूँ ग्रेवी होने के लिए, फिर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा बेत का सब्जी रेडी हो चुका है, बस इसको जो है ऐसे खोल के रख देती हूँ, हम लोग फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है पानी कुमरा का सब्जी, ये देखो अभी भी थोड़ा सा जूल है, थोड़ा सूखने देते हैं, एंड लास्ट में ये फूजी को दे दूंगी, फूजी बस थोड़ा सा है, ये लोकल धनिया है हम लोग का। चावल को भी यहाँ पे माप के लेके आ चुकी हूँ, और उसको चढ़ा के जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, तो अभी ये वाला धनिया पत्ता को दे देती हूँ, हो जाएगा ये पानी कुमरा का सब्जी भी। अभी ब्रेकफास्ट जो है बस चावल पकने से हो जाएगा, थोड़ा सा मंजिता के साथ जो है मैं भी टीवी देखती हूँ, हम लोग का मंजिता तो आराम से देखती है। ये देखो क्या देख रही है,
क्या है ये? हाँ, मोटो पतलो या क्या है? नाम नाम भी पता नहीं इसको। देखेगा इसमें सिलेक्ट करके देखो, रुद्रा, ये तो रुद्रा है। मंजिता के साथ जो है मैंने थोड़ा मूवीज वगैरह देख लिया, पर मुझे ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगते है। पता नहीं टीवी में इतना बोरिंग लगता है, फोन पे भी बोरिंग लगते है मुझे। तो दीदी जो है फिर से अभी यहाँ पे हाई प्रेशर का दवाई यहाँ पे बना रही है। ये एक्चुअली हाई प्रेशर का दवाई उसमें लगता है, पर हम लोग ऐसे सब्जी की तरह भी खा सकते है ना इसको। तो कड़वा टाइप का है इसका, शायद माथा चक्कर दे रही है क्या? माथा चक्कर देने से खाता है ऐसे ही खाने में। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था ना। हाँ, बहुत है ना हम लोग का बगीचा में। ये देखो इतना अच्छा साग है ये, बहुत टेस्टी होता है। तो हो जाएगा क्या ब्रेकफास्ट? अभी रेडी हो गया। और इसे देखो क्या कर रही है। कल जो सब्सक्राइबर ने इसके लिए जो डॉल लेके आया था ना, वाह, पूरा बाल को बना रही है। ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये कल बोल रही थी ये जेरी मामी है, और जो दूसरा सेम टू सेम था दो वो दीदी, और एक ये है। तेरा बाल भी सही करो, क्यों ऐसे जंगली की तरह रहता है? हाँ हाँ, अभी दिखाओ, मुझे दिखाओ, मेरा बाल इतना सुंदर है, वाह। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग पर। इतना क्यूट है, अगर इसके जैसा सच में मैं सुंदर होती तो वाह, पूरा भगवान से शुक्रिया शुक्रिया करती। कोई कोई बहुत बोलता है बदसूरत। यहाँ मैं गांव में किसी ने बोला था कि जेरी और मेरा शकल तो देखने लायक नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग ऐसा करता है, बाप रे। हम बोला है कम से कम शकल तो अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग तो अच्छा कर लेगा तब तो देखने में अच्छा भी लगेगा। क्या करे, भगवान ने ऐसे भेज दिया हमें। बहुत शर्म लगता है, दुख भी लगता है यार। ऐसे होता है ना, एक सरवा टाइप का जो फ्रूट वगैरह होता है, ऐसे हम लोग को जो है उसी से वो किया था ना। आप लोग का शकल देखने में बदसूरत है, और ड्रेसिंग सेंस वापरे पूरा खतरनाक खतरनाक। ये लोग तो ड्रेसिंग करना भी नहीं आता है, बोलता है वो लड़की ने बोला है। तो कोई बात नहीं, अपना अपना होता है। फिर भी मैं खुश हूँ, जो है उसी में खुश रहना है। फिर हाँ, भी हाथ पाँव ठीक है, कोई तो लग रहा है लुल्ला क्या होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। जो भी बोले, अरे लोगों का काम है बस ऐसे कहना। यहाँ पे हम लोग खाना खाएगा, अभी मामी खाना को निकाल रहे, और मामा तो अभी सो रहे हैं ना। कहाँ सो रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। और रेस्ट कर रहे हैं। ये मंजिता का मंजिता को इतना खा पाएगा? हाँ खा। हम सभी जो है प्रेपर्स करेंगे। ये देखो जंगली बेत, हाँ ये कहता है ना, वो जो मून जो है गोल होता है उस टाइम पे बहुत ही ये जंगली बेत में मीट मिलता है बोलते है। कहावत है। हाँ मांस तो बेसी पाए। चलो अभी इसी के साथ जो है हंसी मजाक के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मीट शीट नहीं है तो क्या हुआ, तरह तरह ग्रीन वेजिटेबल भी खाना चाहिए, स्पेशल यहाँ पे है ये ग्रीन वेजिटेबल से ही ज्यादा मिलता है विटामिन ताकत। हाँ तभी और, तो बाकी लोग चाहे जितना भी बदसूरत बोले, हम अंदर से बहुत सुंदर है। हाँ। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अभी मैं और मंजिता खा रहे है यहाँ पे अपेल। अपेल मीठा है ना मंजिता? तो अभी खाते है, ये लो और भी खाओ। तो दीदी को, दीदी के लिए भी रख देंगे और लेमो के लिए भी। चीयर्स। पूरा मीठा है। मामी और मामू भी हंस रहे थे, क्या हुआ जो हंस रहे इतना जोर जोर से? हमने मंजिता से फ्रैंक किया, बेबी आ रहा है। मंजिता पूरा एकदम पूरा सरप्राइज हो गई। नहीं अभी नहीं होगा, हॉस्पिटल में होगा बोलता है। सच में कल मेरा पैर दर्द हो रही है, तो कभी इधर हिलता है कभी उधर हिलता है, इसलिए जो है थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। मैं नहा भी नहीं पा रही हूँ, पूरा बुखार बुखार भी है। मंजिता प्रैंक हो गया तेरे साथ। और बच्चा ठीक मारने से मंजिता ओ वाह ऐसे ऐसे करता है पूरा।
और 1.5 महीना इसके बाद आ जाएगा तेरा भाई ना बहन जो भी आ रहा है। 1.5 महीना ऐसा लगेगा। कपड़ा खरीद दो मंजिता। पैसा दो तुम तो। हम पैसा देगा, तुम लोग खरीदो अपना साइड से। हम पैसा देगा। ठीक मार रहा है फिर से। मंजिता शॉक हो गया। उसका रिएक्शन कैमरे में होने से दिखता ना। अभी अभी मंजिता के साथ जो है बहुत ही बड़ा फ्रैंक हो गया। पूरा ये शौक हो गया कि वो किया है बच्चा आएगा बोलने से। हा? बच्चा आएगा ऐसे सोच लिया था तो ये पूरा शौक हो गया ये। और वो टेडी बियर से इतना खेलती रहती है, दोनों मिल बात के खेलना। हाँ मामी का तबीयत तो ठीक नहीं है बोल के छोटा सा ब्लॉग बनाया। आप लोग को यह ब्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा। कल को मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।